आज 27 तारीख को राज्य सरकार के द्वारा जो परिपत्र जारी किया गया आदेश जारी हुआ है, इस आदेश से छत्तीसगढ़ के अधिकारी और कर्मचारी दोनों प्रभावित होंगे। साथ ही इस सरकार के आने के बाद में लगभग निर्माण कार्य पूरे ठप हो गए हैं और जिस प्रकार से अभी आदेश जारी हुआ है, निश्चित रूप से पूरे विकास के कार्य ठप हो जाएंगे और रुद्ध हो जाएंगे। साथ ही साथ में मितव्ययिता की जो बात कही गई है, ट्रांसफर की बात कही गई है, तो कल जो आदेश जारी हुआ है ट्रांसफर का, उससे आप देख लेंगे कि कितनी सरकार की मितव्ययिता के प्रति सोच है और इस सोच का न केवल अभी बल्कि पिछले समय भी हम लोगों ने देखा है कि जो लाट में ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से सरकार के द्वारा बार बार ये बात कही जा रही थी कि हम आर्थिक रूप से यहां पर हमारी स्थिति ठीक है और शायद किसी प्रकार की कटौती का हम प्रस्ताव नहीं लाएंगे, विचार नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के कथनी और करने दोनों का जो अंतर है स्पष्ट दिखाई देने लगा है कि सरकार कहती कुछ और है, कहती कुछ और है। ये आज के जो आदेश है वो इस बात को प्रमाणित कर रही है।